हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र के पॉपुलर मिठाइयों में से एक शंकरपाली की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और नरम होती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो शंकर पाले बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे एक बाउल। उस बाउल में हम ले लेंगे मैदा, पर मैदा लेने से पहले हम एक ले लेंगे छन्नी और मैदे को उसमें हम छान लेंगे। मैदा हम यहाँ पर लेंगे करीब 1.5 कप। इसे हम अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे करीब 1/2 कप सूजी और सूजी को भी इसमें छान लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे करीब 1/2 कप मिश्री, वो भी पीसी हुई। अगर आप चीनी यूज़ करते हैं तो चीनी को पहले अच्छे से पीस लें और पाउडर बना लें। आप यहाँ पर चीनी या मिश्री का क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। और ये लास्ट में देखिए जो बड़े बड़े दाने बच गए हैं, इसे हम हटा देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे करीब 1 पिंच नमक। नमक जो है वो मीठे के फ्लेवर को बैलेंस करेगा। इन सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें मोयम के लिए डाल देंगे करीब 2 चम्मच घी। घी की जगह पर आप कोई ऑयल भी यूज़ करते हैं जिसका कोई फ्लेवर ना हो। घी और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़े से आटे को हम बांध कर देखेंगे। तो ये देखिए हमारा जो आटा है वो अच्छे से बंध नहीं रहा है। तो इसमें हम 1 चम्मच घी और डाल लेंगे। ये मेरी घर की बनाई हुई घी है। और आप घी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो घी को अच्छे से मिला लेंगे और ये देखिए जो आटा है वो अच्छे से बंध जा रहा है। इसका मतलब कि हमारा मोयम अच्छे से हुआ है इस तरह से। ये देखिए ये साइन होता है कि हमारा जो मोयम है वो अच्छे से बंध रहा है, अच्छे से डल चुका है। तब तो हम इसमें करीब 1/2 कप दूध ले लेंगे, गुनगुना दूध। और उसी दूध से हम एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम एक नरम आटा यहाँ पर लगा लेंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना और आटा गूंथते हैं, उसी तरह से इसका भी आटा लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंथ चुका है। तो हम इसे ढक देंगे और करीब 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। तो हम आटों में 2 लोई बना देंगे, टुकड़ा कर लेंगे 2 लोई का। और 1 लोई को लेकर अच्छे से गोल बनाकर चकले पर अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा सा बेलकर हम हाथ में लगा लेंगे ऑयल और इस आटे पर भी लगा लेंगे अच्छे से ऑयल और चकले पर भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे ताकि जो हमारा ये आटा है वो चिपके ना। और उसके बाद हम अच्छे से इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से बेल चुका है। तो हम एक नाइफ़ की हेल्प से हम इसको काट लेंगे। सबसे पहले साइड के जो किनारे हैं उसको निकाल लेंगे हम। उसके बाद इसको डायमंड शेप में हमें काटना है। इतनी इतनी दूरी पर हम इसे कट कर लेंगे चाकू से।
साइड वाला निकाल के रख देंगे, बाद में यूज़ होगा। और इसको डायमंड का शेप देते हुए कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से डायमंड के शेप में, जैसे कि काजू कतली का शेप होता है उसी शेप में हम इसको काट लेंगे। और इसकी थिकनेस देखिए इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो इन सभी को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से, और फिर इसी तरह से जो बचे हुए आटे हैं उसका भी हम डायमंड शेप में कट कर लेंगे। इसको अच्छे से ऑयल लगाकर चकले पर इसे भी हम बेल लेंगे। इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर रख देंगे कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए। मैंने यहाँ पर सरसों तेल का यूज़ किया है, जैसे कि मैं हर रेसिपी में अपना सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ डीप फ्राई के लिए भी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसमें सारे शंकर पालियों को डाल देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे सारे शंकर पालियों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे पलटते हुए। जब तक इसका कलर ब्राउन ना आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो शंकर पाली है कितने अच्छे से तल रहा है। तो अब ये, अब से ज़्यादा इसे हमें नहीं तलना है। ये देखिए, ये हो चुका है, सब कलर गोल्डन ब्राउन आया है। तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कितना प्यारा आया है। और ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बना। जब ये गर्म रहता है तो थोड़ा सॉफ्ट रहता है, पर जब जैसे जैसे ठंडा होता है वो क्रिस्पी होते जाता है। इसी तरह से हम सारे बैचेस को तल लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारी शंकर पाली बनकर, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा नरम लगती है लेकिन बाहर से उतनी ही क्रिस्पी रहती है। तो यहाँ पर मैं एक शंकर पाली तोड़ कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से कितनी क्रिस्पी और अंदर से कितना नरम है, खस्ता बिल्कुल, खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और आप इसे एक एयर टाइट बॉक्स में रख कर 10 से 15 दिन तक खा सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस शंकर पाली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।